Like partnership firm, joint venture is also one type of partnership firm, but it is not a partnership. In partnership firm, people join their hands, they start any business activity for a long period of time. Whereas in case of joint venture, two or more persons come together and they contribute money to start any small business activity for a small period of time, limited period of time. पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर की अगर हम कंपैरिजन करें तो पार्टनरशिप में दो या तो दो से ज्यादा पार्टनर्स हो गए और वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना बिजनेस कोई स्टार्ट करेंगे और वो लोग अपना एक अग्रीमेंट भी बनाएंगे जिसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। और उस पार्टनरशिप डीड में कितना अमाउंट कौन पार्टनर लाएगा, कितनी कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कौन सा पार्टनर करेगा, पार्टनरशिप फर्म का नाम, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस, ऐसे बहुत सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होती है एंड द बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जबकि जॉइंट वेंचर में ऐसा नहीं होता है। जॉइंट वेंचर इज सिमिलर टू पार्टनरशिप फर्म बट इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। इन जॉइंट वेंचर ऑल्सो टू और मोर पर्सन कम टूगेदर बट एनी सच एक्टिविटी विच हैज लिमिटेड पीरियड ऑफ ड्यूरेशन एंड वंस दैट पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी इज ओवर देयर जॉइंट वेंचर इज डिसॉल्व, मतलब उनका जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दू, मान लो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स ऐसा डिसाइड करते हैं कि कोई जमीन खरीदते हैं और जमीन खरीदने के बाद जब उसका प्राइस बढ़ जाए तो उसको सेल कर देंगे। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों मिलके मान लो 50-50 लाख रुपया कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और दोनों का मिला के 1 करोड़ हो गया। अब ये दोनों इस 1 करोड़ रुपये से कहीं पे जमीन खरीदते हैं, दे आर परचेसिंग द लैंड। फिर थोड़े टाइम बाद जब इस लैंड की प्राइस बढ़ जाती है तो वो लोग उसे सेल कर देते हैं। मान लो उन्होंने 1 करोड़ में लैंड खरीदा था और बाद में उसको अच्छा कस्टमर मिल जाता है तो 1 करोड़ 10 लाख में उसे सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे उनको जो 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिला वो अपने बीच में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, लैंड परचेस किया और थोड़े टाइम बाद उसको सेल कर दिया, तो ये ज्वाइंट वेंचर हो गया। ना तो उन्होंने कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, ना तो उन्होंने पार्टनरशिप फर्म का कोई नाम रखा, यहाँ पे खाली उन्होंने दोनों ने मिलके एक स्मॉल बिजनेस एक्टिविटी किया, जॉइंटली किया है, इसलिए उसको हम जॉइंट वेंचर बोलेंगे। सो जॉइंट वेंचर क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। स्क्रीन आपको चेंज हुआ दिख रहा है, प्लीज कंफर्म। यस ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जॉइंट वेंचर। तो जैसे मैंने आपको बताया, अ जॉइंट वेंचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु अग्री टू डू स्मॉल पीस ऑफ कॉमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी जॉइंटली। तो दो या दो से ज्यादा इंसान के बीच में एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जॉइंटली करने के लिए डिसीजन लेते हैं। एंड इट इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप विदाउट द यूज ऑफ द फर्म्स नेम। जैसे पार्टनरशिप फर्म होता है तो पार्टनरशिप फर्म में नाम होता है, जैसे कि एक्स और वाई ने पार्टनरशिप फर्म चालू किया तो अपना नाम रख सकते हैं कि मेसर्स एक्स एंड वाई ब्रदर्स। तो यहाँ पे कोई नाम नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। द ड्यूरेशन ऑफ दिस जॉइंट वेंचर इज वेरी स्मॉल, वंस द पर्पज इज ओवर जॉइंट वेंचर गेट्स ओवर, दैट्स वाई इट इज सेड इट इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। और यहाँ पे कोई वो लोग नाम भी नहीं रखेगी। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर वेंचर इन विच टू और मोर पर्सन अग्री टू कंट्रीब्यूट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस आइदर इन द इक्वल रेशियो और इन द अग्रीड रेशियो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक छोटे से बिजनेस के लिए दे आर ज्वाइंटली वर्किंग,
दे आर ज्वाइंटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग द कैपिटल। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों कैश ही लाएंगे, मनी ही लाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बंदा कैश लेके आता है, दूसरा गुड्स लेके आता है। तो दे मे ब्रिंग मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम एज ए कैपिटल। नेचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ज्वाइंट वेंचर के, और उसके नेचर के बारे में बताया हुआ है कि ज्वाइंट वेंचर में बी इन द फॉर्म ऑफ अ ज्वाइंट कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, या तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जैसे कि मान लो ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स ने ऐसा डिसाइड किया कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लो दोनों ने 20-20,000 रुपीज कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो कुल मिला के 40,000 हो गया। एंड दे आर बाइंग द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एनी कंपनी। फिर बाद में जब वो शेयर और डिबेंचर्स की प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, तो दे विल सेल इट। तो 2-3 महीने बाद उसको वो सेल कर देंगे। फिर जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने बीच में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे जिस रेशियो में उन्होंने डिसाइड किया है। तो किसी शेयर्स में या तो डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, या तो स्पेक्यूलेशन इन शेयर्स। आपको पता है मार्केट में स्पेक्यूलेशन होता है, शेयर मार्केट में लोग रोज शेयर्स खरीदते हैं और फिर उसे बेच देते हैं। निफ्टी है या तो सेंसेक्स है, निफ्टी में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है या तो सेंसेक्स में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है, उन कंपनीज के वो शेयर खरीदेंगे, फिर उसको उसी दिन बेच देंगे या तो 2-3 दिन बाद बेच देंगे। उस तरीके से सट्टा बाजार जो बोलते हैं, जिसको हम स्पेक्यूलेशन कहते हैं, तो शेयर और डिबेंचर में स्पेक्यूलेशन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, दैट दे कैन डू इन केस ऑफ शेयर्स। या तो वो लोग ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जॉइंटली। मान लो 2 या 3 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, सबने मिलके मान लो 1-1 करोड़ रुपया कैपिटल निकाला, फिर उससे वो लोग मान लो एक छोटा सा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चालू करते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ दिस अमाउंट, एंड देयर आफ्टर दे आर सेलिंग इट आउट, और उस बिल्डिंग को फिर वो उसको सेल कर देते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3-4 महीने लग जाएगी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, या तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए भी ज्वाइंट वेंचर का काम वो लोग कर सकते हैं। वंस द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज ओवर एंड वंस द बिल्डिंग इज सोल्ड आउट, देयर ज्वाइंट वेंचर विल गेट ओवर। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि ज्वाइंट वेंचर किस तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको बताया हुआ है परचेस या तो सेल ऑफ पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड, जिसका अभी एग्जाम्पल दिया मैंने कि दो फ्रेंड्स ने मिलकर लैंड खरीदा, फिर उसकी प्राइस बढ़ गई तो सेल कर दिया। या तो कोई अच्छा कस्टमर मिल गया जो ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी है, तो उसको सेल कर दिया और उन्होंने जो भी प्रॉफिट किया वो अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एनी अदर सिमिलर टेम्पररी और सीजनल बिजनेस एक्टिविटी, इसके अलावा कोई भी स्मॉल बिजनेस एक्टिविटी, सीजनल बिजनेस जो हम बोलते हैं, तो सीजनल बिजनेस के लिए भी वो लोग ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप फर्म नहीं है, एक टेम्पररी पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ पे दो या तो दो से ज्यादा पर्सन इकट्ठा होके ज्वाइंटली कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, और उस बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट या तो लॉस होगा, उस लॉस को उन्होंने जो रेशियो डिसाइड किया होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर रेशियो डिसाइड नहीं किया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलो यहां तक आपको समझ में आ रहा है? प्लीज कंफर्म। यस सर, ओके ओके, तो ये हुआ ज्वाइंट वेंचर क्या है उसके बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू फीचर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर? तो जो अभी हमने डिस्कस किया वही चीजें होगी इसमें। फर्स्ट पॉइंट, ज्वाइंट वेंचर इज डन फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड हैज अ लिमिटेड टाइम। तो ज्वाइंट वेंचर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है और उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। हम टाइम की जगह पे लाइफ लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इट इज नॉट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम।
तो उसका जो लाइफ होता है बहुत स्मॉल होता है। यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको बोला जाएगा को वेंचर्स, द पार्टनर्स आर कॉल्ड को वेंचर्स। पार्टनरशिप फर्म में जो लोग अपना पैसा लगाते हैं वो लोग पार्टनर्स कहे जाते हैं। तो इन द पार्टनरशिप फर्म ओनर्स आर द पार्टनर्स, वेयर इज हियर द ओनर्स आर नोन एज को वेंचर्स। द प्रॉफिट और लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द को वेंचर्स इन द अग्रीड रेशियो या तो इक्वल रेशियो। मान लो उन्होंने डिसाइड किया है 3:2 का रेशियो, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर रेशियो नहीं डिसाइड किया है तो इक्वली 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट में आपको बताया है द को वेंचर्स मतलब कि यहाँ पे जो पार्टनर्स है दे मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी। जरूरी नहीं है कि जो भी यहाँ पे को वेंचर्स होगा वो कैपिटल कैश में ही लाएगा, कोई गुड्स भी ला सकता है या तो कोई असेट्स भी ला सकता है। द ज्वाइंट वेंचर इज डिसॉल्व दैट इज क्लोज वंस द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ओवर। जैसे ही उनका पर्पस खत्म हो जाएगा वो वेंचर बंद हो जाएगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल अभी लिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो तीन या चार को वेंचर्स इकट्ठा होके जिसको हम बिल्डर्स बोलेंगे, तीन या चार बिल्डर इकट्ठा होके मान लो एक सोसाइटी बनाते हैं या तो कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, फिर उसको सेल आउट कर देते हैं। तो जब ये कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा और उनका जो भी असेट है जैसे कि यहाँ पे हाउसेस बनाए होंगे, बिल्डिंग बनाया होगा, वो सेल हो जाएगा, तो उनका पर्पस यहाँ पे खत्म हो गया, तो ज्वाइंट वेंचर का एंड आ जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि इट हैज लिमिटेड लाइफ। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट जो हो गए वो हर साल अलग अलग आएंगे, जितने वेंचर्स हो गए उतनी बार उनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। द अकाउंट्स ऑफ द को वेंचर आर सेटल इमिडिएटली ऑन डिसोल्यूशन। जैसे ही को वेंचर खत्म होता है, ज्वाइंट वेंचर खत्म होता है, ऐसे ही उनके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएगी। वो 3 महीने में भी हो सकते हैं, 2 महीने में भी हो सकते हैं, या तो 9 महीने में भी हो सकते हैं। जब भी उनका पर्पस खत्म होगा तब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। एंड लास्ट वन इज ज्वाइंट वेंचर हैज नो नेम। वो अपने ज्वाइंट वेंचर का नाम नहीं रखेगी जैसे पार्टनरशिप फर्म में रखा जाता है। नाम इसलिए नहीं रखना है क्योंकि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, इसका लॉन्गर पीरियड नहीं है। तो ये हो गए उसके फीचर्स। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जो हमारे काम का है। अब थोड़े अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। सो हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर ट्रांजेक्शन आर मेंटेन। सो सी देर आर टोटल 4 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ज्वाइंट वेंचर जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए रिकॉर्ड करना है ताकि पता चले कि इस को वेंचर से, इस ज्वाइंट वेंचर से कितना प्रॉफिट हुआ है या तो लॉस हुआ है, क्या एक्सपेंसेस हुए हैं, किसने कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है एज ए कैपिटल, कौन कितना गुड्स लेके आया है बिजनेस में, वो सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे ताकि हम सही से प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर पाए। तो उसमें टोटल 4 मेथड है, चारों मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, शायद फर्स्ट मेथड ही आपके सिलेबस में रखी गई है। तो फर्स्ट मेथड है सेपरेट सेट्स ऑफ बुक ऑफ अकाउंट इज केप्ट फॉर ज्वाइंट वेंचर। मतलब मान लो तीन को वेंचर्स है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, तो तीनों सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करेंगे इस ज्वाइंट वेंचर के लिए। दूसरा ऑप्शन है व्हेन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज नॉट केप्ट फॉर ज्वाइंट वेंचर, मतलब सब अलग अलग नहीं बनाएंगे, कोई एक ही बंदा पूरे वेंचर का बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करेगा। तो फर्स्ट मेथड में सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं, सेकंड मेथड में सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, थर्ड मेथड है जिसका नाम है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें वो मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। एंड द लास्ट वन इज वन ऑफ द को वेंचर इज अपॉइंटेड टू मैनेज द ज्वाइंट वेंचर।
तीन को वेंचरर्स है मान लो ए बी और सी, उसमें से मिस्टर सी को हम बोल देते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड वो रखेगा। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स है। वी आर टुडे बिगिनिंग विद द फर्स्ट मेथड और उसके एक्सरसाइज हम देखेंगे, पहले उसकी जर्नल एंट्री समझ लेंगे, बाद में हम उसका एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलो देखो, फर्स्ट मेथड का नाम है व्हेन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक आर केप्ट फॉर द जॉइंट वेंचर। अच्छा, अब स्टार्टिंग में आपको क्या बताया वो समझ लेते हैं। मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मैं ऑलरेडी कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करता हूँ, तो मेरा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी का बिजनेस है, बाइंग एंड सेलिंग का, वो मेरा रेगुलर बिजनेस है। अब मेरा एक फ्रेंड आके मुझे बोलता है कि हम एक काम करते हैं कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं दोनों मिलके। तो मैंने उसके साथ मिलके थोड़ा पैसा निकाल के हम दोनों ने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया, तो यहाँ होगा क्या? एक और मेरा रेगुलर बिजनेस है, मेरे फ्रेंड का भी उसका कोई रेगुलर बिजनेस है, मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, उसका भी कोई एक बिजनेस होगा, तो उसके तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते ही होंगे। अब हम दोनों ने मिलके एक नया वेंचर स्टार्ट किया कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे दोनों मिलके, तो एक तीसरा बिजनेस ये हो गया। तो यहाँ पे ये जो शेयर मार्केट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसके जो भी ट्रांजेक्शन हो गए उसको हम हमारे रेगुलर बिजनेस के साथ मर्ज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो रेगुलर बिजनेस है, जैसे मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट वो मैं अलग रखूंगा, और ये जो जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट अलग रखूंगा। उसी तरीके से मेरा फ्रेंड, उसका जो रेगुलर बिजनेस है उसका तो ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करेगा ही, पर साथ में इस जॉइंट वेंचर के भी वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेगा अलग से। इसीलिए नाम क्या दिया है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर द जॉइंट वेंचर। मतलब रेगुलर बिजनेस के साथ इसको हम मर्ज नहीं करेंगे, हमारा रेगुलर जो भी बिजनेस होगा या तो सर्विस होगा वो तो हम करते ही रहेंगे, साथ में ये एक्स्ट्रा हमने काम किया है उसके लिए हम अलग से अकाउंट्स बनाएंगे, और अलग से बिजनेस स्टार्ट किया है इसलिए हम एक अलग से बैंक अकाउंट भी ओपन करेंगे जिसको हम बोलेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। तो सी, नॉर्मली द जॉइंट वेंचर एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द पर्सन इन एडिशन टू हिज नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। अपना जो नॉर्मल बिजनेस का काम है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी वो कर रहा है। सो दीज पर्सन मे नॉट लाइक टू डिस्टर्ब देयर रेगुलर अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर हिज स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर एक्टिविटी। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे रेगुलर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है हमारे बिजनेस के, उसको डिस्टर्बेंस आए बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट वेंचर, तो हम उसमें उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वी मे डिसाइड टू ओपन अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर द जॉइंट वेंचर। इसीलिए मेथड का नाम है सेपरेट सेट ऑफ बुक इज केप्ट फॉर द जॉइंट वेंचर। अब यहां पे होगा क्या, तो हियर द को वेंचर्स जिसको हम पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स है लिमिटेड टाइम के लिए जिनको हम को वेंचर्स बोलते हैं, दे विल ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट। जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी दो है तो दोनों मिलके अपना बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन करवाएंगे एंड कंट्रीब्यूट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेंचर इन मनी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स। और इस जॉइंट बैंक अकाउंट में दोनों जो भी रिक्वायरमेंट होगी कैश की कैपिटल की वो उसमें जमा करेंगे। मान लो दोनों ने मिलके 1-1 करोड़ रुपया इस जॉइंट बैंक अकाउंट में जमा करवाया, तो सबसे पहले तो जॉइंट बैंक अकाउंट बनाया जाएगा और दोनों मिलके उसमें एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कैश लाना ही जरूरी नहीं है, अगर कोई को वेंचर चाहे तो वो कोई असेट भी ला सकता है या तो कोई गुड्स भी ला सकता है। ओके, आफ्टर ओपनिंग द जॉइंट बैंक अकाउंट दे विल ओपन अनदर अकाउंट ऑल्सो। द मेन अकाउंट मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर, सबसे पहले जो हमने बोला जॉइंट बैंक अकाउंट बनाया जाएगा, दूसरा बनाया जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट। जैसे पार्टनरशिप अकाउंट होता है तो पार्टनरशिप अकाउंट में पार्टनर्स के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो लोग बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाएगा।
पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की कैपिटल के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए कैपिटल अकाउंट एंड देयर करंट अकाउंट्स आर ओपन। तो इसी तरह से यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाएगा और को वेंचर्स अकाउंट बनाया जाएगा। तो टोटल 3 अकाउंट्स बनेंगे, एक तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट, जैसे इंडिविजुअल हमारा बैंक अकाउंट होता है उसी तरीके से यहाँ से 2 से 3 इंसान ने मिलके अकाउंट बनाया, इसलिए उसका नाम ज्वाइंट बैंक अकाउंट है, बिकॉज इट इज ओपन ज्वाइंटली बाय द ऑल द को वेंचर्स। फिर ज्वाइंट वेंचर के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए वो लोग एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, कितना गुड्स परचेस किया, कितना गुड्स सेल किया, कितने एक्सपेंसेस हुए, क्या इनकम हुई, वो सारा रिकॉर्ड करेंगे और वो प्रॉफिट या तो लॉस फाइंड आउट करेंगे। और जो भी को वेंचर्स है, जिसको हम पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, उनके अकाउंट बनेंगे, जैसे कि मिस्टर एस अकाउंट, मिस्टर बीस अकाउंट, जिसको को वेंचर्स अकाउंट बोला जाएगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, मिस्टर एस कैपिटल अकाउंट, मिस्टर बीस कैपिटल अकाउंट, इसी तरीके से यहाँ पे एस अकाउंट, बीस अकाउंट, ऐसे को वेंचर्स अकाउंट बनाए जाएंगे। तो ये हो गई अकाउंट की बात कि 3 अकाउंट यहाँ पे बनेंगे। क्वेश्चन में आपको जो पूछा होगा वो अकाउंट आपको बनाना होगा। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमको जर्नल एंट्रीज पहले समझ में आनी चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज हियर वी हैव टू रिकॉर्ड। है बहुत सिंपल, खाली को वेंचर वर्ड हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले ज्वाइंट बैंक अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट इज द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम कैश जमा करवाएंगे हमारे बैंक में, तो इट इज वन टाइप ऑफ असेट एंड ऑल असेट्स आर द रियल अकाउंट। तो इट इज अ रियल अकाउंट लाइक ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट। ऑल द वेंचर्स, मतलब ऑल द को वेंचर्स, या तो आप बोल सकते हो ऑल द पार्टनर्स हियर, डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इनटू द अकाउंट। जैसे कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने मिलकर 1-1 करोड़ रुपया इस ज्वाइंट बैंक अकाउंट में जमा करवाया। While the joint venture account shows the profit or loss from the venture, दूसरा अकाउंट जो है joint venture account है। तो joint venture account में सारे transactions हम record करेंगे ताकि हमें पता चले कि कितना profit हुआ, कितना loss हुआ, उसमें purchase, sale, expenses and all income we will record. फिर है the ventures account give the amount due or due by them. और तीसरा जो अकाउंट हम बनाने वाले हैं जिसका नाम है द वेंचर्स अकाउंट, मतलब को वेंचर्स अकाउंट। तो मिस्टर ए का जो अकाउंट है या तो मिस्टर बी का जो अकाउंट है, तो उसमें हमें पता चलेगा कि मिस्टर ए को कितना देना है या तो लेना है, मिस्टर बी से कितना अमाउंट लेना है या तो देना है। तो इंडिविजुअल पार्टनर या तो इंडिविजुअल को वेंचर का भी अकाउंट बनाया जाएगा ताकि हमें पता चले कि उसने कितना अमाउंट इस ज्वाइंट वेंचर में दिया है, उसको कितना प्रॉफिट हम देने वाले हैं, या तो उसको जो भी को वेंचर है उसको हमारे इस ज्वाइंट वेंचर से कितना अमाउंट रिकवर करना है, वो सारे ट्रांजेक्शन के लिए हम द वेंचर्स अकाउंट बनाए जाएंगे, जिसको को वेंचर अकाउंट हम बोल सकते हैं। तो टोटली यहाँ पे 3 अकाउंट बनेंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट जिसमें जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो रिकॉर्ड होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जिसमें हम इनकम और एक्सपेंस के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस पता चले, और एक है वेंचर्स अकाउंट, मतलब द को वेंचर्स अकाउंट, जिससे हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर पार्टनर जो है, पर्टिकुलर को वेंचर्स है, उससे कितना रुपया लेना है या तो हमें उसको कितना रुपया देना है। ये हो गए 3 अकाउंट की बात। अब हम बात करते हैं एंट्रीज की। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जर्नल एंट्रीज। एक बार आपको जर्नल एंट्रीज समझ में आ जाएगी तो 3 अकाउंट बनाना इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बताओ, अभी तक मैंने जो समझाया उसमें आपको समझ आ रहा है? यस सर। चलो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा आइडिया आ जाए। देखो हमारा चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर ज्वाइंट वेंचर, पहली बात तो है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले मीनिंग बताया
कि दो या तो दो से ज्यादा पर्सन इकट्ठा होता है और एक स्मॉल पीरियड के लिए कोई बिजनेस एक्टिविटी वो लोग स्टार्ट करते हैं, जिसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं होने वाला है, कोई सीजनल बिजनेस होगा या तो कोई स्मॉल बिजनेस एक्टिविटी की जाएगी और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट आता है, तो इसको टेम्पररी पार्टनरशिप भी कहा जाएगा। फिर मैंने आपको नेचर में उसके सारे एग्जाम्पल्स बताए कि वो लोग किस तरह का बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी दे कैन डू, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन, जैसे कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या तो शेयर मार्केट में स्पेक्यूलेशन करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या तो कोई लैंड या तो बिल्डिंग परचेस करते हैं, फिर ज्यादा प्राइस मिलने पे सेल कर देते हैं, तो ऐसा कोई भी बिजनेस वो लोग कर सकते हैं, बट इट इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। उसके आधार पे मैंने आपको फीचर्स बताए कि जॉइंट वेंचर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक्टिविटी होती है, लिमिटेड टाइम के लिए। यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनको को वेंचर्स बोला जाता है। को वेंचर्स को जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो एक अग्रीड रेशियो में या तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो को वेंचर्स है वो स्टार्टिंग में कैपिटल कैश में भी ला सकते हैं या तो गुड्स के फॉर्म में भी ला सकते हैं। जैसे ही उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा दे विल क्लोज देयर बिजनेस और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके अग्रीड रेशियो में। और ज्वाइंट वेंचर का नाम नहीं होता है, पार्टनरशिप हम में नाम होता है, यहाँ पे नहीं होता है। फिर हमने मेथड्स की बात की, तो देर आर टोटल फोर मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ ज्वाइंट वेंचर, जिसमें हम फर्स्ट मेथड के ऊपर अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जिस मेथड का नाम है सेपरेट सेट ऑफ बुक इज कैप्ट फॉर ज्वाइंट वेंचर, जिसका ये मतलब हुआ कि जो भी ज्वाइंट वेंचर्स है वो अपना नॉर्मल बिजनेस अकाउंट मेंटेन करेंगे ही, वो लोग जो अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं वो तो वो लोग करेंगे ही, साथ में ही वो लोग इस जॉइंट वेंचर के लिए एक अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, जिसे हम कहेंगे सेपरेट सेट्स ऑफ बुक। तो इसमें तीन अकाउंट बनाए जाएंगे, एक तो जॉइंट बैंक अकाउंट होगा जिसमें सारे को वेंचर्स एक अमाउंट जमा करेंगे, फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो गए, परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स। और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो वहां पे उनको डिस्क्लोज होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में, और वो प्रॉफिट और लॉस वो लोग अपने बीच में अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितने कौन से पार्टनर ने क्या अमाउंट दिया, कौन से पार्टनर ने इस बिजनेस में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस को वेंचर को कितना पैसा बिजनेस को देना है, या तो बिजनेस को कितना पैसा को वेंचर को देना है, वो सारे ट्रांजेक्शंस के लिए हम को वेंचर्स के अकाउंट भी बनाएंगे, जैसे कि मिस्टर ए का अकाउंट भी बनेगा, मिस्टर बी का अकाउंट भी बनेगा, ताकि हमें पता चले कि उनके रिलेटेड क्या ट्रांजेक्शंस हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनते हैं, जिनमें पार्टनर्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हो गए, उसी तरीके से यहाँ पे वेंचरर्स मतलब को वेंचरर्स के सेपरेट अकाउंट बनेंगे, मिस्टर एस अकाउंट, मिस्टर बीस अकाउंट, ताकि हमें पता चले कि पर्टिकुलर को वेंचर को कितना रुपया देना है और उससे कितना रुपया लेना है, जिसको हम बोलेंगे अमाउंट ड्यू टू और अमाउंट ड्यू बाय देम। चलो अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज की। तो एंट्रीज आर वेरी सिंपल। सर, मेरा यस एक ये था, आप बोले कि जॉइंट वेंचर का नाम नहीं होता। सर। अच्छा ज्वाइंट सर वेंचर, नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर। यहाँ हम लोग एक्चुअली कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक जॉब, एक कंपनी है रंजीत बिल्डकॉन, तो वो ले नहीं पाई, तो उन्होंने जेबी किया, जॉइंट वेंचर किया, और एक अशोका नाम की कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया, तो कंपनी ने मतलब ज्वाइंट वेंचर में नाम रखा अशोका रंजीत बिल्डकॉन, तो नाम तो चेंज हुआ।
पर ये लोग जो आप जो एग्जांपल दे रहे हो वो उनका रेगुलर बिजनेस है, वो ये बिजनेस एक्टिविटी करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, हाँ, जबकि ज्वाइंट ये वेंचर दोनों क्या होता सेपरेट है? दो कंपनी है, दोनों कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं, हाँ कंस्ट्रक्शन बट कंपनी है, और ये कंस्ट्रक्शन का हाँ काम उनका लेकिन चलता ही रहेगा। एक सोसाइटी हाँ बने, एक सोसाइटी बना दी, फिर दूसरा सोसाइटी बनाएंगे, दूसरा बिल्डिंग बनाएंगे, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है उनका। जबकि ज्वाइंट वेंचर क्या है, ज्वाइंट वेंचर में हम कोई नया बिजनेस करते हैं, हमारे रेगुलर बिजनेस से कुछ अलग नया बिजनेस, छोटा टाइम के लिए सीजनल बिजनेस। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दू, मान लो आप और मैं, आप मुझे पहचानते हो, मैं आपको पहचानता हूँ, आप जॉब कर रहे हो, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, अब हमने डिसाइड किया चलो एक ज्वाइंट वेंचर करते हैं। तो मान लो काइट फ्लाइंग का फेस्टिवल आ रहा है, तो आपने डिसाइड किया चलो सर एक काम करते हैं, काइट सेल करने का एक्टिविटी करते हैं। तो आपने 50,000 निकाला, मैंने 50,000 निकाला, और 1 लाख रुपीज से हमने काइट्स का एक शॉप लगाया मान लो, और वो 15 दिन के लिए ही लगाया, ओनली फॉर 15 डेज। 15 दिन में हमने जो भी किया वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? तो उसके लिए होगा ज्वाइंट वेंचर। आ रहा है समझ में? हेलो। हाँ सर, ओके, समझ गया। तो जब आप अपने रेगुलर बिजनेस के साथ कोई छोटा अलग से कोई बिजनेस करते हो तो वहां ज्वाइंट वेंचर आएगा। ओके, सबसे पहले एंट्री तो होगी दोनों को वेंचर, जो बैंक अकाउंट बनाएंगे उस बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखेंगे, तो एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स पर्सनल अकाउंट। क्योंकि बैंक में पैसा जाएगा तो हमारी असेट बढ़ेगी, तो जॉइंट बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, असेट बढ़ेगा, और जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो जैसे मिस्टर ए ने 50,000 दिया तो एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक अकाउंट टू मिस्टर एस अकाउंट। अगर बी ने दिया है 1 लाख रुपीज तो एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीस अकाउंट। इस तरीके से जिसने पैसा दिया है उसको क्रेडिट करेंगे, और बैंक में अमाउंट जा रही है तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये हो गया अमाउंट डिपॉजिटेड इन द जॉइंट बैंक, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री है कि मान लो कोई वेंचरर है, कोई मिस्टर ए या तो मिस्टर बी, कैश नहीं लाता है पर तो गुड्स लाता है, वो गुड्स लेके आता है या तो कोई असेट लेके आता है। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करिए, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स पर्सनल अकाउंट। मान लो मिस्टर बी 50,000 का गुड्स लेके आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, जो भी गुड्स की वैल्यू होगी वो लिखेंगे, और यहाँ पे हम बताएंगे कि मिस्टर बी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ गुड्स। मान लो कोई व्हीकल लेके आता है तो फिर व्हीकल लिखेंगे, जो भी आइटम वो लेके आएगा वो आइटम का नाम लिखेंगे। फर्स्ट वाले में कैश जमा कर की जाती है बैंक में, सेकंड वाले में कोई गुड्स लाया जाता है या तो कोई अदर आइटम वो बिजनेस में लेके आता है, थर्ड वाला है परचेस ऑफ गुड्स। इस जॉइंट वेंचर के लिए अगर कोई गुड्स खरीदा है तो उसकी एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि उसका पेमेंट हम जॉइंट बैंक अकाउंट से करेंगे। अब जो भी पेमेंट होगी जॉइंट बैंक अकाउंट से होगी, हम हमारे पर्सनल अमाउंट नहीं देंगे, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि एक्सपेंस है। दिस जॉइंट वेंचर अकाउंट इज वन टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी अमाउंट डेबिट करते हैं जो भी एक्सपेंसेस है। तो गुड्स के लिए हमने एक्सपेंस किया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। दोनों ने मिलकर मान लो 3 लाख रुपीज का गुड्स खरीदा, तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट 3 लाख, क्योंकि पेमेंट बैंक से होगा अभी। अगर आपने गुड्स कैश में नहीं खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, तो फोर्थ वाला पॉइंट आएगा फॉर परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। मान लो हमने मिस्टर एक्स से 1 लाख का गुड्स क्रेडिट पे खरीदा, मतलब हमने ज्वाइंट बैंक का अमाउंट नहीं दिया, तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, मतलब टू मिस्टर एक्स अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री ज्वाइंट बैंक की है, सेकंड एंट्री अगर कोई वेंचरर गुड्स लाता है तो उसकी है, थर्ड एंट्री हमने परचेस किया गुड्स क्योंकि हम बिजनेस करने वाले हैं, बाइंग ट्रेडिंग का बिजनेस है मान लो ऐसा समझ के चलो, तो ज्वाइंट वेंचर टू बैंक। अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है तो वही एंट्री रहेगी, ज्वाइंट बैंक की जगह पे क्रेडिटर आ जाएगा जिससे हमने उधार खरीदा है, ज्वाइंट वेंचर टू क्रेडिटर्स।
चलो ये चार एंट्री में समझ आ रहा है बेटा। हाँ सर, ओके, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब। अब बात करते हैं अदर एंट्रीज की। अब एक्सपेंस, अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है जॉइंट वेंचर, तो एक्सपेंस तो डेफिनेटली हो गया उसमें, तो जो भी एक्सपेंस होगा उस जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट अमाउंट कहां से देंगे? बैंक से देंगे, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या तो बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बनेगा जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। अगर आपने गुड सेल किए, अब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, अब हम जो भी सेल करेंगे उसकी एंट्री आएगी। अब सेल दो तरह का होगा, एक तो कैश सेल्स होगा, दूसरा क्रेडिट सेल्स होगा। अगर आपने कैश में गुड सेल किया है आपके जॉइंट वेंचर का, तो एंट्री नंबर सिक्स होगी, आपको पैसा मिलेगा, पर वो पैसा जाएगा कहाँ? हमारे बैंक में। तो एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अब देखो यहाँ जॉइंट वेंचर क्रेडिट हुआ, अगर कोई इनकम होती है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा, अगर कोई एक्सपेंस होगा तो जॉइंट वेंचर डेबिट होगा। जैसे कि हमने गुड्स परचेस किया तो जॉइंट वेंचर हमने डेबिट किया था, हमने एक्सपेंस पे किए तो जॉइंट वेंचर डेबिट किया। अब हमको इनकम हो रही है तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट करेंगे और अमाउंट जाएगा जॉइंट बैंक में, तो एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। अगर आपने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है तो डेफिनेटली अमाउंट तो मिलेगा नहीं, उधार माल बेचा है, तो जिससे पैसा लेना है उसको डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। देखो सेल हुआ है, ये हमारी एक इनकम है, भले पैसा नहीं मिला है पर इनकम तो हो गई। एक्रुअल बेसिस के हिसाब से हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, जिससे लेना है वो डेबिट हो गया, डेटर अकाउंट डेबिट। मान लो मिस्टर पी को आपने उधार माल बेचा है, तो आपकी एंट्री बनेगी मिस्टर पी